ब्रेकिंग व्यूज में आज हम बात करेंगे अमेरिकी चुनाव की। 3 नवंबर को इलेक्शन डे है, शाम तक उम्मीद है कि शायद रिजल्ट आ जाए, लेकिन अमेरिका में इतनी ज्यादा एंग्जाइटी है इस वक्त। और उसकी वजह यह है कि हालांकि सारे ओपिनियन पोल्स उनका प्रिडिक्शन ये है कि बाइडन काफी आगे हैं, उनको काफी एज है और कई नए रिकॉर्ड टूटे हैं जहां तक वोटर टर्नआउट का सवाल है, लेकिन एंग्जाइटी की वजह यह है कि ट्रंप कह रहे हैं कि इट इज नॉट गोइंग टू एंड वेल। Let's have a look at the biggest data as of now, which is around 93 million people have gone for early voting. उन्होंने सोचा कि पहले ही वोट कर दें ताकि कोविड में फिजिकल डिस्टेंसिंग का रिस्क न लेना पड़े। माना जाता है कि ये ज्यादातर लोग बाइडन सपोर्टर हो सकते हैं। This 93 million is a very big number only because in 2016 130 million people voted. Total turnout was 138 million. Out of which more than 2/3 voters have already come out and voted for their choice of candidate. The next big data people are looking at, which is opinion poll data that shows that Biden is still leading by 10 points, 9 to 10 points in popular votes. But in electoral college race, the race gets tightening in many states. जो अमेरिका के टोटल 50 स्टेट्स हैं, उसमें 30 स्टेट्स में तो पता है कि कौन किसकी तरफ लीनिंग वाला है, लेकिन 20 स्टेट्स ऐसे हैं जहां बहुत ही क्लोज फाइट है। उनको सब लोग देखने की कोशिश करेंगे कि क्या होने वाला है। लोग कहते हैं कि फ्लोरिडा जो है वो एक तरीके का बेल वेदर स्टेट है। अगर फ्लोरिडा बाइडन ले लेते हैं तो ट्रंप का हारना पक्का है, लेकिन किसी वजह से वो फ्लोरिडा नहीं भी ले पाते, लेकिन मिशिगन, विस्कॉन्सिन और पेंसिल्वेनिया, जहां ट्रंप बहुत ही माइनर मेजोरिटी के साथ, बहुत ही माइनर मार्जिन के साथ जीते थे 2016 में, अगर वो इसको ले लेंगे तो फिर बाइडन का व्हाइट हाउस पहुंचना पक्का हो जाएगा। एक और डेटा देख लेना चाहिए, वो ये है कि जो 12 स्टेट्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट स्टेट्स इसलिए हैं कि वहां पर काउंटिंग की प्रिपरेशंस पहले ही हो जाती हैं। यानी कि 3 नवंबर को जब इलेक्शन डे के दिन बाकी वोट पड़ रहे होंगे, तब तक वहां तैयारी हो जाएगी और काउंटिंग के बाद रिजल्ट 3rd इवनिंग यूएस टाइम के हिसाब से 3rd इवनिंग को जो रिजल्ट आ सकते हैं, उसमें टेक्सास बड़ा स्टेट है, 38 वोट्स हैं वहां पर, फ्लोरिडा, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलाइना, एरिजोना, मिनिसोटा, इसके अलावा दूसरे कई स्टेट्स हैं जहां पर की तैयारी पूरी हो गई है और शाम को 7 से 10-11 बजे के बीच में यहां पर रिजल्ट आ सकते हैं। दीज 12 स्टेट्स वी मस्ट वॉच। द लेटेस्ट पोल दैट एनवाईटी विद सियना कॉलेज कंडक्टेड ऑन संडे, दैट वाज यस्टरडे, दैट शोज दैट पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, विस्कॉन्सिन एंड वन मोर स्टेट्स विच इज फ्लोरिडा, वेयर बाइडन इज नाउ हैविंग कंफर्टेबल मार्जिन। इफ दीज 4 स्टेट्स आर गोइंग विद बाइडन, देन ट्रंप्स बैड डिफीट इज अ सर्टेनिटी। एक और डेटा हमको देखना चाहिए, वो है कि ट्रंप इस वक्त वहां पर क्या कह रहे हैं। ट्रंप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन के पहले वो कोर्ट चले जाएंगे पेंसिल्वेनिया को लेकर के। वो ये कह रहे हैं कि जो फ्रॉड हुआ है वो मेल इन वोटिंग में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। 3rd नवंबर को लोग ये समझते हैं कि ज्यादातर लोग जो है वो ट्रंप सपोर्टर ज्यादा होंगे, क्योंकि वो लोग मेल इन में ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, लेकिन ट्रंप पोस्टल बैलेट को बार बार चैलेंज करवाने की कोशिश करेंगे और वो कोर्ट जाने की कोशिश करेंगे ताकि रिजल्ट बहुत देर से आए। यही सबसे बड़ी एंग्जाइटी है अमेरिकन्स को कि क्या वहां पर रिजल्ट डिले हो सकता है। हो सकता है कि अगले एक हफ्ते तक रिजल्ट आने में, इलेक्टोरल कॉलेज के वोट गिनने में लोगों को काफी वक्त लग जाए और इस तरीके से वो लीगल प्रॉब्लम खड़ी कर दें। हालांकि ज्यादातर कंसेंसस ये बन रहा है कि बाइडन का जीतना इस बार आसान दिख रहा है। बाइडन के बारे में एक बात और ध्यान देने की है, वो ये कि 3 और चुनाव साथ चल रहे हैं, वो हैं सीनेट के करीबन 35 सीट्स के चुनाव, इसके अलावा पूरा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव उसका चुनाव हो रहा है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में माना जाता है कि वो डेमोक्रेट निकाल लेंगे, उनकी मेजोरिटी पहले भी रही है वहां पर। सीनेट में मेजोरिटी में रिपब्लिकन है, 47 रिपब्लिकन्स, 53 रिपब्लिकन्स के पास, 47 डेमोक्रेट्स के पास है। कम से कम 3 सीट अगर इन्होंने फ्लिप कर ली तो सीनेट पर भी डेमोक्रेट मेजोरिटी हो जाएगी। तो एक सिनेरियो यह है कि बाइडन की प्रेसिडेंसी
हाउस में और सीनेट में दोनों में मेजॉरिटी के साथ आएगी। लेकिन जैसे 2016 में ओपिनियन पोल गलत निकले थे और बहुत बड़ा लीगल रकस खड़ा हो जाए और ट्रंप इस चुनाव को फिर भी बचा लें और वो रीइलेक्ट हो जाएं, तो क्या होगा? इसका जवाब किसी के पास नहीं है और इसी से इस वक्त अमेरिकन का ब्लड प्रेशर सबसे ज्यादा हाई है। तो अमेरिका के हिसाब से थर्ड इवनिंग जो इंडिया का फोर्थ मॉर्निंग है, उस वक्त हमको देखना होगा कि रिजल्ट क्लियर आते हैं या ग्रे एरिया वाले रिजल्ट हैं, और वहां से एक बहुत ही डार्क और अगली कन्फ्रंटेशन की शुरुआत हो सकती है।